नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ विदुषी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। विकास खंड पूरनपुर की ग्राम पंचायत धर्मंगतपुर में मेन रास्ते पर लगभग 3 वर्षों से गांव का गंदा पानी भरा हुआ है। जब बारिश हुई तब तालाब में तब्दील हो गया। तराई रोड गांव ही नहीं तमाम क्षेत्र के लोगों को तालाब में तब्दील हुई धर्मंगतपुर गांव के मेन रास्ते से होकर ही गुजरना पड़ता है। विधायक से लेकर पीडब्ल्यूडी अवर अभियंता के भी संज्ञान में है। तालाब में तब्दील रास्ता पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा गांव के बाहर तक रास्ते की मरम्मत कराई गई, लेकिन गांव के अंदर तालाब से रास्ते पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पत्रकार साथियों द्वारा कई बार इस खबर को प्रकाशित किया गया, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। गांव के प्रधान माधुरी यादव और विनोद यादव हरजीत सिंह, हीरा सिंह सहित कई ग्रामीणों ने थोड़ा थोड़ा चंदा देकर सड़क पर मिट्टी और रोड़ा डालकर राहगीरों को निकलने में कुछ सुविधाएं प्रदान कर दी हैं। प्रधान जी और ग्रामीणों के इस प्रयास की लोग काफी सराहना कर रहे हैं। बताया जाता है कि 3 दिन पहले ग्रामीणों ने इस मार्ग की मरम्मत करने की डीएम से भी गुहार लगाई थी। इससे पूर्व भी प्रधान जी और ग्रामीण कई बार मार्ग पर आवागमन संबंधित समस्याओं का स्थायी समाधान कराए जाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी जिम्मेदारों के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही। परिणाम स्वरूप प्रतिदिन सैकड़ों ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पीलीभीत से अविनाश कुमार, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। इसी तरह की देश दुनिया और अपने आसपास की हर खबर और खबर के असर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल करके सारी जानकारी देंगे। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है, पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।